हे गाइस, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट पिच पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए अपडेट्स के बारे में जो कि आ रही है यूपीएससी की ओर से। इस वीडियो में हम बात करेंगे एज कैटेगरी जो कि है अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 और सीनियर्स की। रजिस्टर करने की लास्ट डेट क्या है, ट्रायल्स डेट क्या है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की भी बात करेंगे और उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपने क्वेश्चंस हमें पूछे थे कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। गाइस, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय डाउटनट। चलिए देखते हैं डाउटनट को कैसे आप यूज कर सकते हैं। डाउटनट पर होंगे अब आपके सारे डाउट सॉल्व, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। जानिए कैसे। तो बस आपको करना क्या है, जिस भी सवाल या क्वेश्चन में या डाउट में आप फंसे हैं, आपको बस उस क्वेश्चन की फोटो खींचनी है। क्वेश्चन की फोटो खींचने के बाद आपको उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से क्रॉप कर देना है। जैसे आप उस क्वेश्चन क्रॉप कर लेंगे, आप बस सबमिट वाला बटन दबाइए और सबमिट वाला बटन दबाते ही आप देखेंगे कुछ ही सेकंड्स में आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी एकदम टॉप पे। तो बस इसी तरह आप अपने कोई भी सब्जेक्ट के डाउट क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। तो याद रहे, डाउट हो तो डाउटनट करो। स्टूडेंट्स के लिए ये ऐप बहुत ही ज्यादा यूजफुल है क्योंकि वो अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है और अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस और आते रहें आपके लिए, तो इस वीडियो के अभी के अभी लाइक कर दें। इस बार टारगेट है 500 लाइक्स का, सो आप उसको जरूर पूरा कर दें। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रायल्स डेट की, कि ट्रायल्स कब होंगे यूपीसीए के। यूपीसीए ने एग्जैक्टली बताया नहीं है कि ट्रायल्स कब होंगे, बट उन्होंने यह बोला है कि उनको पता है कि प्लेयर्स के अभी एग्जाम्स होंगे कुछ, सो वो सारा कुछ देख के ही डिसाइड करेंगे कि ट्रायल्स कब रखने हैं और हो सकता है कि ट्रायल्स अप्रैल के बाद ही हो, जब सारे एग्जाम खत्म हो जाएं। चलिए इसके बाद बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है। दोस्तों, जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन थे वो ऑलमोस्ट हर जगह बंद हो चुके हैं, बट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी भी चालू है, सो आप रजिस्टर कर सकते हैं। फी की बात करें तो थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं फी में। बॉलर, ऑलराउंडर, विकेटकीपर, बैट्समैन सबकी जो फी है वो है 500 रुपए ही, बट अगर आप और भी एज कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट लगेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ सवाल जो आपने कमेंट बॉक्स में पूछे हैं, जिनमें सबसे पहले पूछा है मोहम्मद अयाज ने, यह पूछ रहे हैं भाई ट्रायल्स डेट कब डिक्लेयर होगा। सो मोहम्मद भाई, इसका अभी कुछ कंफर्मेशन आया नहीं है, जब भी आएगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशांत यादव की ओर से, यह कह रहे हैं इनकी एज है 10 जुलाई 2006, अंडर 14 खेल सकते हैं क्या। तो इसका आंसर है जी नहीं। निशांत, अगर आपका बर्थ होता 1 सितंबर 2006 के बाद तो आप अंडर 14 खेल सकते थे, बट अब आप अंडर 16 के लिए अप्लाई कर सकते हैं या और एज कैटेगरी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं हिमांशु, यह कह रहे हैं हेलो सर। हाय हिमांशु, रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म जमा तो नहीं करना कहीं। इसका आंसर है जी नहीं, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना है और उसका कंफर्मेशन आपको आपके मैसेज पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं अमन, यह कह रहे हैं इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 19 अगस्त 2006, बताओ हो सकता है। सो अमन, आप अंडर 14 के लिए तो एलिजिबल नहीं है, बट अंडर 16 और बाकी एज कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल है और इसके लिए आपको यूपी का भी होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आर के स्कोरर, सर जी अगर पढ़ाई सिर्फ 8th क्लास तक ही की है तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। आर के, इसका आंसर है कि डिपेंड करता है कि आप कौन से एज कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बाकी मैं वीडियो में आगे बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कुछ और सब्सक्राइबर्स ने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, जो कि है विकास कुमार ने पूछा है मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्या करूँ, प्लीज रिप्लाई। विकास, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और साथ में बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर दीजिए। जब भी आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आप उसको ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए उनके पोर्टल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं नीरज, यूपीएससी अंडर 19 का ट्रायल कहाँ होगा और कब होगा, बता दो भाई। नीरज, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कहाँ होगा और कब होगा, सो जब भी होगा मैं आपको इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिंह, मेरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन नहीं है तो क्या मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ, मेरे पड़ोस में ही है। तो भाई, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में एसोसिएशन नहीं है तो आपके जो पड़ोस में डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है वहाँ पे जाके आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, वो बता देंगे कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आशिकुर, अदर स्टेट का प्लेयर दे सकता है क्या। आशिकुर, इसका आंसर है नहीं, आपको यूपी का ही होना अनिवार्य है। अगर आप यूपी से अलग कोई दूसरी स्टेट से हैं तो आप यूपी के ट्रायल्स नहीं दे सकते।
इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है परी हमारी ने, भाई गर्ल्स के लिए भी है। सो यस, ये गर्ल्स के लिए भी है, गर्ल्स इसमें रजिस्टर कर सकती है। कुछ और भी है सब्सक्राइबर्स ने जो क्वेश्चन पूछे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है क्रिएटिव जे सीरीज ने, भाई अपने ट्रायल के लिए अपनी किट लेके जाना पड़ता है। भाई आप कोई भी ट्रायल में जाओ तो अपनी किट ही लेके जाएं, प्राइवेट लीग्स में फिर भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं वो, बट ये यूपीसीए करा रहा है तो आपको प्रोवाइड नहीं होगी वहाँ पे किट, आपको खुद की ही लेके जानी होगी। जो लास्ट क्वेश्चन है वो पूछा है इट्स क्रिकेट ने, व्हाट इज द फी। भाई फी का मैंने पहले बता दिया है बट फिर भी बता देते हैं, बॉलर बैट्समैन विकेट कीपर बैट्समैन ऑलराउंडर सबकी फी जो है वो है 500 रुपए। अगर आप अदर कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं साथ में तो उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की जो कि इनकी वेबसाइट पे दे रखे हैं, जिनमें से सबसे पहले है हाउ टू रजिस्टर इन ट्रायल्स। ट्रायल्स के लिए रजिस्टर करने के लिए आपको upca.tv पे जाना होगा, वहाँ पे आपको न्यू क्रिएट प्रोफाइल करनी होगी, वहाँ पे फिर आपको डिटेल्स डालनी होगी और नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। उसके बाद आपको क्रिकेट प्रेफरेंस और कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, वो सब करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सो अलग अलग एज कैटेगरी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहले है अंडर 14, इसमें चाहिए आपको कंप्यूटर जनरेटेड डेट ऑफ बर्थ जो कि मैंडेटरी है, और जो सेकंड प्रूफ चाहिए वो है रेजिडेंशियल प्रूफ जिसमें आप आधार कार्ड पासपोर्ट डोमिसाइल ये चीजें लगा सकते हैं। जो अंडर 16 और 19 वाली एज कैटेगरी है उनके लिए है बर्थ सर्टिफिकेट जो कि मैंडेटरी है, सेकंड है वो है 10th की मार्कशीट या फिर इसके जगह आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं या फिर TC, थर्ड है वो है रेजिडेंशियल प्रूफ, इसमें आप आधार कार्ड पासपोर्ट वगैरह लगा सकते हैं और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है अंडर 23 और सीनियर्स की, इसमें भी सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको कंप्यूटर जनरेटेड सर्टिफिकेट चाहिए होगा, 10th स्कूल की मार्कशीट या फिर TC या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, थर्ड जो है वो है रेजिडेंशियल प्रूफ और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है हाउ टू पे ऑनलाइन। ऑनलाइन पे करने के लिए आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आप इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट ऐप भी यूज कर सकते हैं जैसे गूगल पे या फिर पेटीएम भी। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ज्यादा डिटेल्स के लिए आप कैसे इनको कॉल करेंगे या कॉन्टेक्ट करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे नंबर दे रखे हैं 7428094691, आप सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक इनको कॉल कर सकते हैं या आप इनको मेल भी कर सकते हैं support@upca.tv पे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या आप मल्टीपल कैटेगरीज के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका आंसर है जी हाँ, इसका आंसर है जी हाँ, आप मल्टीपल कैटेगरीज के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बस उस एज कैटेगरी के लिए आप क्वालिफाई होने चाहिए। अगर आप मल्टीपल एज कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उसकी एक्स्ट्रा फी भी देनी होगी। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या होगा प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन का, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उसका प्रूफ क्या होगा। इसका आंसर है यूपीसी आपको एक मैसेज भेजेगा आपके मोबाइल पे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो मैसेज आपको संभाल के रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आप एडिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट जो आपने एक बार अपलोड कर दिए हैं। इसका आंसर यूपीसीए ने दिया है कि जी नहीं, अगर आपने एक बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं उसके बाद एडिट नहीं होंगे, बट अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है तो आप इनको मेल करके बात कर सकते हैं और इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर सकते हैं। दोस्तों आप अपना स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं स्कैन करने के लिए, आपको सिंपली अपने डॉक्यूमेंट की पिक्चर क्लिक करनी होगी, बस वो पिक्चर है वो क्वालिटी सही होनी चाहिए उसकी, या फिर आपके नियरेस्ट साइबर कैफे में भी जाके आप स्कैन कर सकते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एज कट ऑफ के रिलेटेड। सो यहाँ पे सारों की एज कैटेगरी के हिसाब से एज भी दे रखी है, कट ऑफ क्या क्या है, जैसे कि अंडर 14 की यहाँ पे दे रखी है, इसके बाद अगर प्लेयर का बर्थ हुआ है तो वो अंडर 14 के ट्रायल्स दे सकता है, या फिर अंडर 16 के भी दे रखे हैं, अंडर 19 और अंडर 23 के भी दे रखे हैं। और दोस्तों क्रिकेट पिच फैमिली के हो चुके हैं 10,000 सब्सक्राइबर्स, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम आपको प्रोवाइड कर सके और भी अच्छे अच्छे वीडियोस। अगर आपको कोई क्वेश्चन है यूपीसीए से तो आप इन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं, अगर आपको क्रिकेट पिच से कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे और भी ट्रायल्स की डिटेल्स वहाँ पे डालते रहते हैं, सो आप हमें वहाँ पे जरूर फॉलो कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।